They are looking magnificent. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ईद। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सो, बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू ग्रो। तो चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक इंतहाई लेज़ी वीक स्टार्ट हो गया है। मेरी बेटी की स्कूल हॉलीडेज़, क्रिसमस हॉलीडेज़ स्टार्ट हो गई हैं और अब मुझे पता है कि उसने बहुत जल्दी सुबह को नहीं उठना करना, तो मैं, मेरा ख्याल है शायद उससे भी ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ। तो उसे पता था कि उसकी हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैडम ने कल ऐलान कर दिया, जी मैंने तो सुबह जल्दी नहीं उठना, मेरी तो सुबह स्कूल से छुट्टी है तो मैं तो अभी जल्दी नहीं सोऊंगी। तो वो रात को तकरीबन 1 या 1:30 बजे सोई है। सुबह हमें उठते उठते काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 10:30-11 बज गए थे हमें सुबह उठते हुए, तो नाश्ता भी लेट ही हुआ। और आज मैडम की फरमाइश थी, जी मैंने ब्राउन ब्रेड खानी है। वेल एक्चुअली वो फ्रेंच टोस्ट को ब्राउन ब्रेड कहती है। तो आज नाश्ते में बन रहे हैं उसके लिए, मेरी बेटी के लिए फ्रेंच टोस्ट, और मैं और मेरे हस्बैंड यूजुअल एग एंड ब्रेड एंड टी का ही ब्रेकफास्ट करेंगे। और हमारा नाश्ता ख़त्म करने के बाद जो है वो घर के नॉर्मल काम स्टार्ट हो जाएंगे। आज मुझे पता है कुछ भी ख़ास स्पेशल दिन में नहीं है, सवाए इसके कि बच्चे घर पे हैं और हम भी लेज़ी हैं, हस्बैंड काम पे चले जाएंगे और मेरा आज कोई इरादा नहीं है कोई स्पेशल एक्टिविटी करने का, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और बाहर हम जा नहीं सकते और घर के यूजुअल काम तो चलते रहेंगे, सफाइयाँ, फंडे, टिंडे सब चलेंगे। तो नाश्ता चुक के ऑलरेडी लेट हो रहा है, तो लंच माइट बी स्किप्ड, तो उसके बाद डिनर की प्रेपरेशन करेंगे। लेकिन आपको मैं टी टाइम पे जो है वो चेक इन करती हूँ, सो सी यू एट दैट टाइम। सब हम शाम की चाय से फारिग हुए थे, तो मैंने सोचा जरा थोड़ा सा आपको वेदर अपडेट भी दे देते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, लाइट्स बिल्डिंग्स की ऑन हो चुकी हैं, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। कल तकरीबन सारा दिन बादल थे, बच्चे शोर मचा रहे थे, जी हमने पार्क में जाना है, और मैं उनको लेकर भी गई थोड़ी देर के लिए पार्क में, लेकिन बहुत जल्दी हम वापस आ गए बिकॉज इट वॉज टू विंडी देयर एंड वेरी कोल्ड फॉर द किड्स। तो मैंने सोचा अभी आपको थोड़ा सा आउटर वेदर दिखाते हैं, बाहर बहुत खूबसूरत लग रहा है, स्पेशली दीज लाइट्स बिहाइंड मी, बिल्डिंग में लाइट्स जल रही हैं और दे आर लुकिंग मैग्निफिसेंट। तो सुबह से बारिश हो रही है, अभी को 5 मिनट हुए हैं तो बारिश रुकी है, लेकिन 3 बजे के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। सर्दियों में वैसे भी जल्दी डार्क हो जाता है यूके में, रातें ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, लेकिन अभी चूँकि वेदर ऐसा हुआ है और आप देखें ज़रा क्लाउड्स कितने डार्क हैं, लेकिन खूबसूरत लग रहा है बाहर से। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अगर बाहर जाएं तो बहुत ज़्यादा विंडी भी है। तो चलें जी, आज किचन में हमारे बन रहा है शाम के खाने के लिए भिंडी चिकन, तो आपको अब मैं ज्वाइन करती हूँ किचन में और आपके साथ अपनी भिंडी चिकन की रेसिपी शेयर करती हूँ, सो सी यू इन द किचन। तो चलें जी, मैंने तकरीब 1/2 किलो के करीब जो है वो भिंडी ले ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लेने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में इसको काट लिया है। अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। हमने देचकी में तकरीबन 3/4 कप जो है वो ऑयल का लिया है, और इसमें हम जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम भिंडी शामिल कर देंगे और भिंडी को हम फ्राई करेंगे। हमने भिंडी को इतना फ्राई नहीं करना कि भिंडी अपना कलर चेंज कर दे, हमने भिंडी को सिर्फ उतना फ्राई करना है जिसमें जो भिंडी की लेस होती है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि भिंडी का कलर कायम रहना चाहिए। अब हम फ्राई हुई हुई भिंडी जो है वो एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जो हमारे पास बाकी ऑयल बचता है इसमें हम अपना चिकन का मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, और इन प्याज़ों को अब हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज जो हैं वो ब्राउन नहीं करने, वरना पूरा खाने की जो आपकी डिश है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जब तक प्याज ब्राउन होता है हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लेते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 9 से 10 जवे लहसुन के लिए हैं, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, और इसे मैं क्रश करके जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लूँगी। और मैं हमेशा जो है वो फ्रेश जिंजर गार्लिक यूज़ करती हूँ अपनी एवरीडे कुकिंग में, बिकॉज फ्रेश जिंजर गार्लिक का टेस्ट ज़रा स्टोर बॉट जिंजर गार्लिक से डिफरेंट होता है। तो जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनियन है उनका कलर
काफ़ी चेंज हो चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा प्याज ब्राउन नहीं किए, दे आर स्लाइटली ब्राउन। और इसमें हम अपना जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट हमने बनाया है वो ऐड करके 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें तकरीबन 3 बिग साइज़ टोमेटोज़ हैं वो मैंने ऐड किए हैं। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी का डालेंगे, 2 टीस्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, और इसमें 1.5 टीस्पून जो है वो क्यूमिन पाउडर ऐड किया है। और अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला जुला लेंगे और इनको मिलाने जुलाने के बाद इसको ढक के हल्की आंच पे तकरीबन पकाएंगे जब तक जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और इन सब की आपस में दोस्ती हो जाए। तो और आप देखेंगे मसाले ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया, दैट मींस मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें ये मैंने एक चिकन ऐड कर दिया, ये तकरीबन 850 ग्राम का एक चिकन था क्योंकि ये मैं बेबी चिकन लेकर आई थी। तो अब हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो चिकन की भुनाई करनी है जिसमें यह कि जो चिकन है वो अपना सारा पानी उसका ड्राई हो जाए। तो इसके बाद अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट के ऐड कर देंगे। और इसकी ट्रिक ये है कि आप जैसे ही योगर्ट ऐड करें आप फ़ौरन से पहले जो है वो इसको मिक्स करना शुरू कर दें वरना आपकी दही फट जाएगी। सो जितना जल्दी आप इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे उतना ही जल्दी इसका अच्छा फ्लेवर आएगा और अच्छे से इसकी लुक आएगी। आप देखें कितनी प्यारी लग रही है ये। तो इसके बाद अब हम इसे ढक के रख देंगे ताकि जो हमने दही ऐड की है वो उसी पानी में जो है वो चिकन गल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और अब इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट और इसी तरह भुनाई करनी है। इसमें 4 मैंने जो है वो सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और जो हमने फ्राई की हुई भिंडी थी वो ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर जो है वो कोरिएंडर पाउडर जो है वो हम दोबारा ऐड करेंगे। आप इसको हरे धनिए के साथ गार्निश करें और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दें। आप देखें जी कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है, तकरीबन 1/2 लाइम जूस ऐड किया है और उसके बाद आप इसको गुला मिला लें ताकि सारे मसाले आपस में जो हैं वो मिल जाएं और आपकी जो डिश है वो फ्लेवरफुल बन जाएगी। आप देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और ये खाने में भी बहुत मज़े की बनी है। और हमने जनाब अपना भिंडी गोश्त जो है उसको इंजॉय किया है गर्मा गर्म रोटियों के साथ जो कि घर पे बनाई हैं और बड़ा हमें मज़ा आया। हमने इसको खाया गर्मा गर्म भिंडी चिकन गर्मा गर्म रोटियों के साथ हमने इंजॉय किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दें, दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दें, अपनी फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिकॉज आपकी सपोर्ट हमें ग्रो करने में हेल्प करती है। और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।